हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कॉम्बिनेशन है। जरा देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है, यहाँ पे देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो अगर इसमें कोई भी आपको फॉर्मूला लगाना होता है तो आप क्या करते हैं? तो फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले इक्वल्स टू लिखते हैं। इक्वल्स टू लिख करके जैसे मान लीजिए हमें एक फॉर्मूला लगाना है रैंड का, RAND रैंड, और ये फॉर्मूला हमने लगा दिया और यहाँ पर हमने टू एंटर किया। आप टू एंटर करने का मतलब क्या है? टू एंटर करने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 के नीचे की जितनी भी डेसिमल वैल्यूज हैं वही ये देगा। तो ये देखिए, ये 2 के नीचे की डेसिमल वैल्यू है कि नहीं है, है ना? तो ये इस तरीके से हो जाता है। और फिर इस तरीके से जब आप ड्रैग करेंगे नीचे, तो जहां तक ड्रैग करते चले जाएंगे यहाँ पर बहुत सारी रैंडम वैल्यू जनरेट भी हो जाएंगी, ठीक है। दूसरा, रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है। तो रैंड बिटवीन का फॉर्मूला आप रैंडम वैल्यूज जनरेट करने के लिए लगाते हैं, और ये डेसिमल वैल्यूज नहीं होती हैं, ये जो है आपकी इंटीजर वैल्यूज होती हैं। और यहाँ पर इसको बंद किया, एंटर किया। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमने बीच में क्या लगाया है, कॉमा लगाया है, देख सकते हैं कि नहीं। अब यहाँ पर इसको मैं क्या करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और यहाँ पे जहां तक आप ड्रैग कर देंगे इसको वहां तक ये आती चली जाएगी। तो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अब यही चीज आपको पाइथन में पढ़ाई जाती है, तो पाइथन में आप फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक फंक्शन होता है, इसे रैंडम कहते हैं, रैंडम फंक्शन का आप यूज करते हैं, उसमें रैंड इंट का भी यूज करते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के फंक्शंस हैं। तो इस तरीके से एक्सेल में भी हो सकता है, एक्सेल में ज्यादा कन्वीनियंट आपके लिए रहता है, क्योंकि ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये एक स्प्रेडशीट है। बात करें ओपन ऑफिस की, तो ये आपका ओपन ऑफिस है, ठीक है। अब यहां पर अगर आपको रैंडम वैल्यूज जनरेट करनी है तो आप इक्वल्स टू लगाते हैं, फिर यहाँ पे रैंड लिखते हैं, और रैंड लिख करके ब्रैकेट को ओपन क्लोज करते हैं। आप टू के नीचे वाली रैंडम वैल्यूज, तो यहाँ पे जैसे ही एंटर करते हैं तो आप देखिए यहां पर एरर आ गया है। आप देख सकते हैं ये एरर क्यों आया होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एरर क्यों आया? ठीक है, यहां पर अगर मैं सीधा इस तरीके से एंटर करता हूं तो यहां पर ये वैल्यू आ गई है, देख सकते हैं यहां पे ये आ गया है। अच्छा, यहां पे रैंड बिटवीन, अच्छा यहां पे दशमलव के नीचे की सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर रैंडम वैल्यूज जनरेट करना है हमको इंटीजर वाला, तो रैंड बिटवीन यहां भी आपको मिल जाता है। तो ये हो गया रैंड, और फिर यहां पे लगाएंगे बिटवीन, बिटवीन इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन करेंगे, और यहाँ पर बॉटम टू टॉप जाना है तो बॉटम टू टॉप कर दिया हमने, और यहाँ पे कॉमा देके एंटर किया। लेकिन रुकिए, यहाँ पर कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। जब भी आप ओपन ऑफिस को यूज करेंगे कैल्क, तो यहाँ पर देखिए ये एरर आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसको जैसे ट्राई करेंगे तो केवल एरर ही आएगा इसमें, ठीक है। यहाँ पर रैंडम नंबर जनरेट होते हुए आपको नजर नहीं आएंगे, तो यहाँ से आप जा सकते हैं इस तरीके से, और फिर नीचे आएंगे तो देखिए इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर कॉमा एक्सेप्टेबल नहीं होता। यहाँ पर अगर आप कॉमा लगा देते हैं तो ये कॉमा का मतलब कुछ भी नहीं समझता है, और आपका कॉमा ये हटा देता है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है सेमी कॉलन। देखिए ये सेमी कॉलन है, और जैसे ही सेमी कॉलन लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक वैल्यू आ जाएगी, उन दोनों के मतलब बीच की एक वैल्यू आ जाएगी, और फिर आप यहाँ से जा सकते हैं नीचे तक, पूरा जहां तक जाना है जा सकते हैं, और ये रैंडम वैल्यूज क्रिएट करता चलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी, एक्सेल वाली भी और ओपन ऑफिस कैल्क वाली भी, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन से सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।